गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे यू विल लर्न अबाउट दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू मीन बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कॉज डिजीज आर डिस्ट्रॉय आवर थिंग्स इज कॉल्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, एल्गी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। ये भी माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। अब आता है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। आता है व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेंस? पैथोजेंस किसको कहते हैं? मतलब रोगजनक, रोग जनक जो होते हैं सूक्ष्म जीव। तो ऐसे पैथोजेंस में रोग फैलाने वाले डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, जब भी पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट आर पैथोजन, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, देयर आर मेनी डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, ठीक है, कफ खांसी आना है बाई वायरसेस के द्वारा होते हैं, और सम डिजीज है लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरस से होती है, ठीक है। और सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो डेवलप्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं, जस्ट लाइक मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया मच्छर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटने से होता है, लेकिन वो कैरियर वाहक है। उसका काजिंग एजेंट कौन है, कौन फैलाता है? उसकी जो एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर है उसकी लार में एक प्रोटोजोआ रहता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से हमको मलेरिया होता है। ऐसा नहीं कि मच्छर काट लेगा तो मलेरिया होगा। जो फीमेल एनाफिलीज काटती है, मेल नहीं काटता। क्यों? क्योंकि मेल के पास प्रोबोसिस, वो शकर, वो सुंड नहीं होता है, शकर चूसकांग नहीं होते, इसीलिए मेल नहीं काटता है। तो फीमेल एनाफिलीज जो होती है वो कैरियर है, वाहक है, रोगों को ले जाती है, लेकिन सभी फीमेल में नहीं होता है। वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा, प्लाज्मोडियम होगा, उसी के काटने से मलेरिया होती है। तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोन्स, एक प्रोटोजोआ है। इसी तरह टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड भी जो सलमोना टाइफी से होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं साइड में, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये भी माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये डिजीजें कॉमन होती हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाती हैं। अब इसके आप देखिए यहाँ पर लिखा गया ह्यूमन डिजीजें, आप पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसको देखिए ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स खसरा वायरस से, चिकन पॉक्स हैं जो बड़ी माता होती हैं वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, कालरा हैं बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, हिपेटाइटिस वायरस से, हिपेटाइटिस लीवर में होता है, हिपेटिक वन लीवर, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ये मास्क फीमेल मॉस्किटो को एनाफिलीज काटने से होता है। बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, सब एयर से होती हैं या कॉन्टैक्ट से या वाटर से होते हैं। कालरा भी वाटर या फूड से होता है, हैं, और कालरा भी टाइफाइड भी, कालरा भी बैक्टीरिया रोग है, विब्रियो कॉलरी से होता है। तो ये सब जो डिजीजेज हैं या तो बैक्टीरिया से होती हैं या वायरस से होती हैं, हैं, या फंजाई से होती हैं। एंड फूट एंड माउथ डिजीजे जो होते हैं कैटिल में होती हैं, ठीक है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एंथरेक्स, और ये वायरल डिजीज होती हैं। फूट एंड माउथ मतलब खुरपका, मुँहपका, मुँह के ऊपर फोड़ा हो जाता है, खुर जो होती है डैमेज हो जाती है, तो उसको एंथरेक्स कहते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज इज वेरी फेटल इन ह्यूमन एंड कैटल, ठीक है। एंथ्रेक्स जो होती है ये माउथ और फूड डिजीज होती है, वायरस से भी होती है, और एंथ्रेक्स ये बैक्टीरियल डिजीज है जो बहुत फेटल होती है ह्यूमन एंड कैटल दोनों, ठीक है। एंथ्रेक्स में खुर भी पक जाता है, मुंह भी पक जाता है, जो वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है। और सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय प्लांट्स बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं, ठीक है, जो प्लांट में भी होती है, जैसे साइटस कैंकर, नींबू में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसको साइटस कैंकर कहते हैं।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन होता है? एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं का रस्ट, गेहूं में काले काले किट हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसको फंजाइस होता है, ठीक है। इसी से इलोबियन मोजाइक इन भिंडी, भिंडी की जो वेन होती हैं पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियों की वेन पीली हो जाती हैं, वायरस होता है। और लास्ट आता है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजन, फूड भोजन जहरीला हो जाए। कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड, जो हमारे भोजन में उगते हैं, बढ़ते हैं, सम टाइम रिप्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, उस समय टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ निकालते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस एज रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और ये जहरीले पदार्थ जो ये सब्सटेंस निकालते हैं उससे आदमी की इलनेस, बीमार हो जाता है, इवन डेथ या मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो भोजन में बहुत टॉक्सिक मटेरियल निकालता है, भोजन को पॉइजनस कर देता है, ठीक है। कभी कभी भोजन बनता है तो कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन टू द फूड सो द फूड बिकम पॉइजनस, इसलिए भोजन जहरीला हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। कारण क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉइजनस मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल निकालते हैं। आगे आता है, ठीक है, फूड, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो फूड प्रिजर्व, फूड का संरक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। तो फूड का संरक्षण कैसे करते हैं, इनको कैसे रखते हैं, ठीक है। जैसे साल्ट है, शुगर है, एडिबल ऑयल्स है, विनेगर सिरका है, इनका यूज हम जो होते हैं कॉमन केमिकल्स जनरली टू यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। आपका जो आप घर में रखते हो ना, जो जेली रखते हो, ठीक है, अचार रखते हो, उसमें क्या करते हो, साल्ट अधिक नमक मिला देते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव निष्क्रिय हो जाते हैं। जेली रखते हो शुगर मिला देते हो अधिक, या ऑयल मिला देते हो अचार में, विनेगर सिरका मिला देते हो, इनके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। तो इस तरह हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।